આજે ગુજરાત શોકમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। मोरबी में फैलायेला मातम वच्चे मंगलवार प्रधानमंत्रीए शहरनी मुलाकात लीधी। निर्धारित कार्यक्रम प्रमाणे तेओ बपोरे मोरबी पहुंच्या हता, ज्यां सौथी पहेला तेओ घटनास्थळे पहुंच्या हता। अहीं तेमणे दुर्घटना स्थळनुं निरीक्षण कर्युं। गृह राज्यमंत्री हर्षसंघवीए तेमणे समग्र स्थितिथी अवगत कराव्या हता। आ ए ज जग्या छे ज्यांथी रविवारे सांजे झूलतो पूल तूट्यो हतो अने 135 जिंदगीओनो दीपक हमेशा माटे बुझाई गयो। घटना स्थले थी मोरबी सिविल पहुंच्या, ज्यां तेमणे सारवार लई रहेला पीड़ितों साथे बातचीत करी, तेमनी तबियत विषे जाण्युं अने जरूरी मददनी खातरी पण आपी। प्रधानमंत्रीए पीड़ितोना स्वजनोने पण सांत्वना आपी हती। आ दरमियान भावुक दृश्यो सर्जाया हता। त्यारबाद प्रधानमंत्रीए सिविलना तबीबो साथे पण वात करीने दर्दीओनी स्थितिनो ताग मेळव्यो हतो। मृत्यु पामनार कुटुंबीजनों ने अमे सांत्वना आपी। हॉस्पिटल में जे असरग्रस्त था अमने पण मळ्या। डॉक्टरे पण सूचना आपी, अधिकारीने पण सूचना आपी है कि आनी पूरेपूरी ऊंडी तपास थवी जोईए। आना माटे जे कोई जवाबदार होय एनी पर पूरेपूरा पगला लेवा जोईए। आना माटे जे टेक्नोक्रेट टीम है एने पण कामे लगाड़ी जोईए कि आना माटे कोण जवाबदार है। उपरांत एमणे कह्युं कि आमां जे केटलाक परिवार जे एमां कोई बच्चो नथी एवाने माटे पण विशेष ध्यान आपवुं जोईए। जिला पोलीस वडानी कचेरी में प्रधानमंत्रीए रिव्यू बैठक योजी हती, ज्यां तेमणे संपूर्ण घटनानी निष्पक्ष अने पारदर्शिता साथे तपास करवा तंत्रने आदेश आप्या। प्रदेश अध्यक्ष पाटिल नु मानिए तो प्रधानमंत्रीए दुर्घटना बाद तंत्रोए करेली कामगीरी सामे संतोष व्यक्त कर्यो छे। संतोष पण व्यक्त कर्यो छे कि आटली मोटी होनारत अने एनी पर जे रीते समयसर तो बधाने व्यवस्था मळी छे। अने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब गुजरात में हता, एमणे तरत ज सेनानी त्रणेय पाकना जे सैनिको छे एमणे त्यां मोकल्या अने एमणे जे कामगीरी करी एमनी साथे पण मुलाकात करी, एमणे पण सांभळ्या कि केटली मिनिटमां पहोंच्या, एमणे शुं कर्युं, केवी रीते बधाने बचाव्या, ए बधी ज वात एमणे करी। इंडस्ट्रियल पोते महत्वनुं छे कि सोमवारे नर्मदा में एकता परेडना कार्यक्रम ने संबोधन करता प्रधानमंत्री भावुक थया हता। मोरबी दुर्घटनाना पीड़ितों प्रत्ये तेमणे दुख व्यक्त कर्युं हतुं। मैं एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है।